ओप्पो रेनो 6 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट, रियलमी के काफी सारे नए प्रोडक्ट, सैमसंग के दो नए स्मार्टफोन्स, उसके अलावा और भी काफी सारी टेक न्यूज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रीज और टेक न्यूज एपिसोड 529 में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन एंड ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G स्मार्टफोन इंडिया में 14 जुलाई को लॉन्च होने वाले है। ओप्पो रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन तो इंडिया में काफी अच्छी प्राइस पर लॉन्च हुआ था। अब देखते है ये दोनों स्मार्टफोन ओप्पो इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च करता है। क्या आप लोग ओप्पो रेनो 6 सीरीज के स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, रियलमी के काफी सारे नए AIoT प्रोडक्ट्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं। रियलमी के दो नए ट्रिमर्स, रियलमी का नया हेयर ड्रायर, रियलमी का नया वायर्ड ईयरफोन और डिजो ब्रांड के अंदर रियलमी के दो नए वायरलेस ईयरफोन भी लॉन्च हो चुके हैं। और दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इन सभी प्राइसिंग में से कौन से प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A22 4G स्मार्टफोन इंडिया में आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में यह स्मार्टफोन आज 18,500 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च हुआ है और इस प्राइस पर यहां पर हमें HD+ रिजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले, यहां पर MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर और यहां पर हमें 5000mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो वो सोच को एकदम बदल दीजिए, वो सोच बिल्कुल बदल दीजिए, क्योंकि ये सोचना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस प्राइस पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस पर काफी सारे स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है जहां पर इस स्मार्टफोन से अच्छे काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A22 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सैमसंग अब सैमसंग गैलेक्सी A22 स्मार्टफोन को फिर से लॉन्च करने वाला है 5 दिन के बाद। आप सोच रहे होंगे कि एक ही हफ्ते में एक ही स्मार्टफोन दो बार सैमसंग क्यों लॉन्च करेगा, ये सैमसंग करता है। 5 दिन बाद सैमसंग गैलेक्सी A22 स्मार्टफोन इंडिया में F22 नाम से लॉन्च होने वाला है और इन दोनों स्मार्टफोन्स में एक ही डिफरेंस होने वाला है। A22 स्मार्टफोन Amazon पर सेल होगा और F22 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर सेल होने वाला है। कोई भी डिफरेंस यहां पर हमें नहीं मिलने वाला। और दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन की भी प्राइस 18,500 रुपीस ही होने वाली है, तो वो स्मार्टफोन भी आप लोग बिल्कुल भी परचेस मत करना। स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर 1-2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और दोस्तों, लीक से ऐसी जानकारी मिल चुकी है कि काफी सारी स्मार्टफोन्स कंपनी अगस्त के महीने में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जहां पर हमें स्नैपड्रैगन 888+ का प्रोसेसर मिल जाएगा। यानी कि आने वाले कुछ महीनों में हमें स्नैपड्रैगन 888+ पावर स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है वीवो की तरफ से। तो वीवो S10 5G स्मार्टफोन को मिल चुका है Geekbench में लिस्टिंग। Geekbench वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन लिस्ट हो गया है और इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर हमें MediaTek Dimensity 1100 का प्रोसेसर, यहाँ पर हमें 12GB की रैम एंड Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन का एक लाइव इमेज एंड एक पोस्टर भी लीक हो चुका है जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है और इस स्मार्टफोन के अंदर 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसी जानकारी मिली है कि यह स्मार्टफोन इसी महीने चाइना में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।